हम बात कर रहे थे अभी, जिस तरह से हमने कहा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल काम, लोकल लोग, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से कुछ अर्सा पहले तक एंटरप्रेन्योरशिप, खुद से चीज़ें बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, इन चीज़ों पे बात ही नहीं होती थी। एक घिसा पिटा सिलेबस बच्चों को बचपन से लेकर बड़े होने तक रटाया जाता था, एंड देन यू रियलाइज आफ्टर मैट्रिक मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। सो कितना इम्पॉर्टेंट है ग्रास रूट लेवल से आप बच्चों को गाइड करना शुरू करें अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, अबाउट मनी मेकिंग। देखिए, जो दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की है, उन कौमों ने अपने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, डिडक्टिव लॉजिक और ईजाद और तख्लीक इसके ऊपर बहुत काम किया है। और उनके पढ़ाने का अंदाज़ आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। हम लोगों ने एक करिकुलम इनहेरिट किया था कॉलोनाइज़र से। कॉलोनाइज़र ने वो करिकुलम इसलिए लिया था क्योंकि उसको फैक्ट्री के पुर्जे चाहिए थे। फैक्ट्री के पुर्जे या इंजीनियर होते हैं या वो डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही, या वो सिविल सर्वेंट होते हैं या आर्मी मैन होते हैं, और वो क्रिएटर्स नहीं होते। वो क्रिएटर्स नहीं होते, बल्कि यूँ कहा जाए कि उन्होंने डिलिब्रेटली वो चीज़ें निकाल ली जो कि कॉम से ऑर्गेनिक थॉट को प्रमोट करते हैं। तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो जो अमेरिका की अगर आप कामयाबी देखते हैं कि उन्होंने जब अपना निसाब इंट्रोड्यूस कराया, जब उन्होंने अंग्रेज से आज़ादी हासिल की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी तालीम के शोबे पर की, प्राइमरी एजुकेशन पे। प्री के से लेकर 12वीं जमात स्टेट की जिम्मेदारी है, और उसी के अंदर विद इन अमेरिका कैलिफोर्निया स्टेट ने 1960s की दहाई में स्टेम बेस्ड एजुकेशन शुरू की, जिसको अब हम स्टीम बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, विच इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ। यानी बच्चा जो प्री के में जाता है उसको ये अदराक है। देखिए, आपने हैरत से कहा कि मुझे साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का फ़र्क नहीं पता। मैंने एक्चुअली बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछा, फ़र्क बताएं, उनको दो लम्हे लगते हैं सोचने के लिए। साइंस वो फील्ड है जिससे ये सब चीज़ें निकलती हैं। टेक्नोलॉजी उसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका है। इंजीनियरिंग एक सोल्यूशन बनाता है, उसको डिप्लॉय टेक्नोलॉजी करती है, और हम ये लफ्ज़ इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो जिस तरह बाहर के ममालिक में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे को डेफिनेशन नहीं दी जाती। किंडरगार्टन के बच्चे को तीसरे ग्रेड तक यह सिखाया जाता है कि आपने डेफिनेशन खुद कैसे लानी है। और आज के दौर में ये पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। जब आपके पास बेतहाशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गए, और भी बन जाएंगे बहुत से तो अब फैक्ट्स को हासिल करना, फैक्ट्स तक रसाई हर एक के फिंगर टिप्स में है। तो फैक्ट्स अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अब तालीम जो है ये वो है कि आप नया इल्म कैसे तख्लीक कर सकते हैं, उन फैक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, डाटा को मेटासाइज कैसे करते हैं, यूज़ करके नई चीज़ कैसे तख्लीक करते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का नया हल कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये रिडंडेंट तरीका है, और इससे हम प्रमोट कर रहे हैं दुनिया में एक फेल्ड प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन। बच्चा, वाकई आपने ठीक कहा कि वो पढ़ जाता है, डिग्री भी ले लेता है, हाँ जी, और ऑल ओवर सडन सोचता है कि अब इस डिग्री से मैं क्या करूं? और अगर उस डिग्री ने आपको ये अदराक नहीं दिया कि आपने क्या करना है, तो आपने कुछ भी नहीं पाया। और तालीम जो है, इट इज़ शऊर, इट इज़ इरफान। तालीम जो है सिर्फ मुआश नहीं है। ऐसे ही मुआश के तरीके अलग होने चाहिए। मुआश आपको अलग से सिखाना है कि कैसे आपने मनी मेकिंग करनी है, जो मैंने कहा, जो कि हमें पता ही नहीं है। हमें बड़े होने तक नहीं पता कि कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे, हाँ, एजुकेशन, और वो जो हमें एजुकेशन मिल रही है, जिसका आपने कहा ना कि मुआश नहीं है, अनफॉर्चुनेटली तालीम भी वो नहीं मिल रही जो आपको एज अ पर्सन, जो कि आपको एनेबल करे, बनाए, जो आपको एम्पावर करे कि आप दुनिया के एक मुफीद शहरी बन सके। एग्जैक्टली, मुफीद शहरी नहीं बना रही। और आपका माइंडसेट ये है कि आप तालीम लेने गए हैं नौकरी हासिल करने के लिए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नौकरी लोगों के लिए भी बना सकता हूँ, मैं लोगों के लिए भी जरिया माश क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपके जहन में एज अ चाइल्ड एक्सपेक्टेशन है कि बस चुप करके पढ़ो और जब ख़त्म होगा तो सामने से कोई नौकरी मिल जाएगी और आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। बच्चों को मैंने माँ को कहते देखा कि बड़ा अफसर बन जा, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा। उनको ये भी नहीं पता कि दुनिया में कितने और फील्ड हैं। भी आपने ये जो
दिखाया कि एक आर्टिस्ट हैं वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, बिल्कुल है। तो अगर आपने बच्चों को ये नहीं बताया कि आप इससे दुनिया के एक प्रोडक्टिव शहरी कैसे बन सकते हैं और अपना और माशरे का टेक केयर कैसे कर सकते हैं, तो आपने उनको कुछ पढ़ाया नहीं है। सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त, सॉफ्टवेयर लर्निंग या हार्डवेयर लर्निंग, बिकॉज अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, दिस इज द न्यू वर्ल्ड। जी बिल्कुल, कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों को इन चीज़ों के हवाले से बताना और उन्हें इक्विप्ड करना एंड इंट्रोड्यूस करना उनकी एजुकेशन में ये तमाम तर चीज़ें, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। जो तालीम है ना, एक ज़माने में हम ये कहा करते थे कि पिछले सदी की तालीम इस सदी की कॉमन नॉलेज होती है। अब इस वक्त इंफॉर्मेशन और नॉलेज और नए अलूम बहुत जल्दी से आ रहे हैं, तो जो पिछली दहाई में, पिछले डेकेड में था, वो इस डेकेड में बिल्कुल exactly. एक आपके हाथ में इररिलेवेंट हो गया। तो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे को ये एटिकेट देना है कि हाउ टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि जिस बच्चे के जहन में ये आया कि मैंने डिग्री तक तालीम हासिल करनी है, वो बच्चा अगली दुनिया में रिडंडेंट है, बिकॉज न्यू इन्फॉर्मेशन एंड न्यू नॉलेज, न्यू फील्ड्स आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे।